हेलो बच्चों, तो आज रिएक्शन मैकेनिज्म का एक नया खूबसूरत सा नगमा लेकर हम आ गए और आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो सर आप पढ़ा चुके हैं, इवन उसके बाद आप फ्री रेडिकल एडिशन भी पढ़ा चुके हैं, तो ये फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ से आया बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये जो ब्रोमीन का एडिशन है ना, ये एंटी एडिशन है। और जब हमने अपनी सीरीज देखी तो भैया हमने कहीं एंटी एडिशन नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिन एडिशन। कहाँ पे? वो हाइड्रोजन का एडिशन, H2 का एडिशन पढ़ा था, वो सिन था, यानी दोनों हाइड्रोजन एक तरफ से अटैक करते थे डबल बॉन्ड को, और ब्रोमीन में दोनों ब्रोमीन अलग अलग तरफ से अटैक करते हैं। समझ गए अब, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ये दूसरा लेक्चर बनाना पड़ा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन का। तो मेरा नाम है अलख पांडे, आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। तो हेडिंग लगाएंगे एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। क्लास 12th स्टार्ट होगी 10 से 12th मार्च के आसपास। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन, देखो है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पर बड़ा खास तरीके का है। जैसे आपने देखा होगा आज हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा था तो उसमें कार्बोकैटायन बना था, यहां भी बनेगा कुछ नया तरीका। देखो आराम से, मान लो यहां कोई एल्कीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फालतू एग्जाम्पल फिर भी समझना चाहिए। इसमें हम ब्रोमीन का एडिशन कर दें, वैसे तो ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी कर सकते हैं, हैलोजन का एडिशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा देखा हमने क्या हुआ, एडिशन हुआ, ठीक है, लो टेम्परेचर पे होगा ये CH2 CH2, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खुल गया, एक ब्रोमीन इधर से लगा और एक ब्रोमीन इधर से। खैर इस एग्जाम्पल में ऐसे ब्रोमीन लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिमेट्रिकल है एल्कीन और काइरल भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट समझाने के लिए, देखने के लिए, सुंदरता के लिए हमने ऐसा बनाया। एक ब्रोमीन नीचे से अटैक किया तो एक ऊपर से, और ऐसे एडिशन को हम बोलेंगे एंटी एडिशन। अगर आपको याद हो जो हाइड्रोजन का एडिशन था वो सिन एडिशन था, SYN सिन, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ से लगते थे, यहां पे दोनों अलग अलग तरफ से अटैक कर रहे हैं, एंटी एडिशन। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मैकेनिज्म कि क्यों ब्रोमीन दोनों अलग अलग तरफ से अटैक किया। देखो होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये Br2 को मैं ऐसे लिखूंगा, Br ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्रोमीन पे, 1 2 3 4 5 6 7, आई है। अब ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है थोड़े से ये उस टाइप के होते हैं ना, मनचले टाइप के, इधर उधर भागते रहते हैं, है ना, जान से प्यारी आजादी हम छीन के लेंगे आजादी, तो ये भागना चाहते हैं यहां से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इन, ये ब्रोमीन की तरफ भागे, ठीक है, Br की तरफ भागे, ब्रोमीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे रह सकते हैं, तो इन्होंने कहा चलो यार उधर खाली घर है चलते हैं सोने। अच्छा ये ब्रोमीन ने कहा ए भाई रुको, हमारे पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, रुको रुको रुको, अरे 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैसे आ रहे हो? तो ब्रोमीन ने कहा हम एक काम करते हैं, हम ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने ब्रदर ब्रोमीन को दे देते हैं। तो ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटा, कैसे टूटा, हेट्रोलिटिकली टूटा, मतलब बराबर से नहीं टूटा, हेट्रो मतलब अलग अलग एटम, ऐसा बिहेव किया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहते थे तो कहे तुम इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, तो ये बन गया Br-, तो यहां से बाहर निकल गया Br-, इसका भी काम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये वाला Br- बन गया, और भाई साहब इसने इलेक्ट्रॉन खो दिए, ये बन गया Br+। तो पहले स्टेप में कौन अटैक कर रहा, पहले स्टेप में Br+ अटैक कर रहा। मैंने आपको एडिशन रिएक्शन में समझाया था कि पहले स्टेप में अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल करे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल करे तो फ्री रेडिकल, समझ। तो ये एडिशन कौन सा कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पहले स्टेप में Br+ ब्रोमोनियम आयन, Br+ क्या नाम है इसका, खूबसूरत सा Br+ ब्रोमोनियम आयन। देखो Br- होता है ब्रोमाइड और Br+ ब्रोमोनियम आयन, तो ये ब्रोमोनियम आयन कहा चलो ठीक है तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो हम आ जाते हैं। अच्छा
स्वागत है आपका बी आर जी। तो इस बी आर प्लस के पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, देखो ये वाला भी गया ये भी गया। तो इस बी आर प्लस ने कहा हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, इसने कहा दे रहे रुको रुको, एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, इसने कहा हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। इसने कहा ठीक है ये वाला इलेक्ट्रॉन तुम रख लो और एक इलेक्ट्रॉन तो हम रखेंगे, हैं एक इलेक्ट्रॉन तो हम अपने पास रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, है कि नहीं। यहां से चीक, इन सब कहानी में नुकसान इस बेचारे CH2 का हुआ, या ये कह लें इस कार्बन का हुआ। यहां से इन्होंने इस वाले कार्बन ने कहा ठीक है तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, इसको दे दिया। ये कार्बन भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है ही है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया इसके ऊपर आया प्लस, क्या बन गया कार्बोकेटाइन, क्या बन गया कार्बोकेटाइन, क्या बन गया अच्छा ब्रोमीन की जो तकलीफ थी जिंदगी में वो खत्म। देखो ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन के साथ भी कोई दुविधा नहीं, इधर से बॉन्ड टूटा तो इधर बन गया, नुकसान तो इस बेचारे का हुआ CH2+। अब होता क्या है, बनना तो चाहिए था कार्बोकेटाइन, पर देखा हमने जब इसके एडिशन का मैकेनिज्म और जब रिजल्ट देखा तो हमने देखा कि कार्बोकेटाइन वाली कहानी नहीं है, तो हमने सोचा क्यों नहीं है। अच्छा कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बन विद 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कार्बोकेटाइन की कहानी याद हो तो कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन के पास एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन है और 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, याद आया ऐसे लिखते थे CH3+, ऐसे ही लिखते थे CH3+, एक वैकेंट ऑर्बिटल है और 3 वैलेंसी फिल है। यहां पे देखो एक 2 वैलेंसी और ये तीसरी वाली कार्बन से फिल है और एक क्या होगा वैकेंट ऑर्बिटल। तो जरा मैं इसको खूबसूरती से बनाऊं तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ब्रोमीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बगल में दिख रहा है वैकेंट ऑर्बिटल, लो लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लो हमसे लो भाई, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन, और ये सारी चीजें ऐसे दूर दूर दिख रही है। होता तो इतने में है, इतने में भैया सब कहानी इतने में हो रही है। तो ये ब्रोमीन ने अपने ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करने की कोशिश की, एंड रिजल्ट क्या हुआ, ध्यान से एंड रिजल्ट क्या हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन का 1 2 3 4 ये दो इलेक्ट्रॉन, एक ब्रोमीन के पास एक कार्बन के पास, और ये अब बोलो क्या सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, मस्त। ये तो ऑक्टेट कंप्लीट था, इनको हमने नहीं छोड़ा, यहां पे प्लस चार्ज था तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं हम यहां से इलेक्ट्रॉन तुमको दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं एक तुमको दे देते हैं, ब्रोमीन का कोई नुकसान 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। प्रॉब्लम यह है कि ब्रोमीन ने अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल कर दिया, भाई ब्रोमीन का ऑक्टेट कंप्लीट था, ब्रोमीन ने अपने वैलेंस अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर इसको दिया, तो यहां पे आ गया प्लस चार्ज। ऐसे कहने का तरीका है असल में तो थोड़ा सा प्लस चार्ज इसके ऊपर भी है, थोड़ा सा सबके ऊपर है, ये पूरा एक कार्बोकेटायन है, साइक्लिक कार्बोकेटायन, इसका नाम होता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, इसको कई लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन भी कहते हैं, इस पूरे को इस पूरी चीज को इसको हम लोग बोलते हैं NCC, स्कूल वाला NCC नहीं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्लासिकल कार्बोकेटायन सबने देखा है, क्लासिकल मतलब वो डांस नहीं करता, क्लासिकल मतलब नॉर्मल वाला CH3+, क्लासिकल मतलब तकता था यार वो नहीं रहे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कहते हैं, कुछ नहीं तुम इसको हट बोल देना, क्या बोल देना हट, झोपड़ी जैसा दिख रहा है बस खत्म, ठीक है ना, झोपड़ी जैसा दिख रहा है अपने को, है ना, नैचोस जैसा दिख रहा है, बोल दो नैचोस बन गया, ठीक है। एनीवेज तो ये स्पीशी बन के आती है, मतलब खास बात ये है कि कार्बोकेटायन नहीं बनता, फिर से समझा देता हूँ, ये CH2 था, इसके पास पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे, थोड़े मनचले से बीआर के पास जाना चाहे क्योंकि बीआर पे वैकेंट ऑर्बिटल है, बीआर ने कहा हम इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, एक काम करते हैं अपने ब्रोमीन भाई को दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये बीआर माइनस, ये आगे यूज होगा अभी पता नहीं, ये बीआर प्लस बन गया, इसने कहा ठीक है हम इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ दिया, ब्रोमीन की ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, कार्बन की कंप्लीट, इस कार्बन के पास दुविधा, इस पे आ गया प्लस चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे प्लस चार्ज आया वैकेंट ऑर्बिटल, ब्रोमीन ने कहा अरे बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, चलो हम दे देते हैं अपने वैलेंस शेल का, अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिया, तो ब्रोमीन के पास बदले में क्या आ गया प्लस चार्ज, थोड़ा प्लस चार्ज इस पे भी, थोड़ा इस पे भी, थोड़ा ब्रोमीन पे भी, बनाने का तरीका है, इसको बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन।
या साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH2 और Br पूरे पे प्लस है ना, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस ऐसे लिख दें। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में अब अटैक करेगा Br माइनस, यानी अब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो क्या इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल सकते हैं? नहीं, पहले स्टेप में जो चीज ऐड होती है उसके अकॉर्डिंग नाम पड़ता है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक। अब Br माइनस ने कहा हम भी आना चाहते हैं, कहां जाएंगे हम? कार्बन के पास जाएंगे, है ना, एक कार्बन इनको जोड़ना है। कार्बन ने कहा भैया हम तभी तुमको ले पाएंगे, हम तभी तुमको ले पाएंगे जब ये इलेक्ट्रॉन हम ब्रोमीन को वापस कर देंगे। ब्रोमीन ने कहा ठीक है, तो CH2 और इसी टाइम ये आ भी रहे हैं इस कार्बन के पास। अब बताओ जब ये Br- आएगा तो क्या ये नीचे से आ सकता है? इसने ब्लॉक कर रखा है जगह, तो इस Br- पास एक ही रास्ता है कि ये ऊपर की तरफ से आए, अपोजिट डायरेक्शन पे। तो ये Br यहां से जुड़ता गया, ये Br यहां से खिसकता गया और खिसकते 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 यहां पहुंच गया। देखो ये Br यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो Br का प्लस चार्ज खत्म। ये इलेक्ट्रॉन जो इसने दान में दिया था, ये जो इसने पुण्य का काम किया था, खत्म। इसने कहा जाओ अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस, गो बैक। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस आया, प्लस चार्ज खत्म। इसके ऊपर प्लस आएगा, पर इसको प्लस को न्यूट्रलाइज करने कौन आ गया? माइनस। मैं थोड़ा सा प्लस चार्ज वाली कहानी को और इजिली समझाता हूं। देखो है क्या यहां पे, सब पे प्लस है थोड़ा थोड़ा, फिर क्या हुआ इसके ऊपर प्लस है, यहां पे ऐसे समझ लो। तो इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस किया, वापस किया तो इसका प्लस चार्ज खत्म, इसके ऊपर प्लस आने लगेगा, उस प्लस को ब्रोमीन माइनस ने न्यूट्रलाइज कर दिया, ये बन गया। तेज तो नहीं हुआ, ये कौन सा एडिशन है? एंटी एडिशन। अब देखो इसमें एक बात ये समझना कि कहीं रीअरेंजमेंट मत कर देना, समझे? मतलब मान लो कहीं 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिल रहा है और उससे 2 डिग्री बन सकता है, तो वो हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, वो फिनाइल शिफ्टिंग वो नहीं करना है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, छाप ले। क्योंकि यहां पे कार्बोकेटायन नहीं, क्या बन रहा है? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। वैसे तो इसके ऊपर पढ़ाने को हम और चीजें पढ़ा दें, बट कोई मतलब नहीं है सब चीजों का। देखो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जो होता है वो नॉर्मल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। जो आप कार्बोकेटायन पढ़ते थे CH3+, उससे ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? सोचो और बताओ क्यों? यार यहां पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब किसी एक स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। अब जैसे ये देखो तुम क्लासिकल कार्बोकेटायन, क्लासिकल यहां बना रहे हैं, ज्यादा ये सब बताने की चीज नहीं है। CH3+ ये नॉर्मल कार्बोकेटायन होता था, इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। और इसमें कार्बोकेटायन में देखो इस कार्बन पे भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे भी 8, ब्रोमीन पे भी 8, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट। दैट्स व्हाई नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द क्लासिकल कार्बोकेटायन। लिख लो इसको चाहो तो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्लासिकल बोले तो ताल से ताल मिला, वो क्लासिकल नहीं, ये वाला क्लासिकल CH3+, इससे ज्यादा ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, और यहां पे सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये मोर स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। और बच्चों ये मोर स्टेबल है इसीलिए ये रीअरेंजमेंट शो नहीं करता, भाई पहले ही स्टेबल है, तो कोई H- CH3- की इसको जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई यहां पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे भैया यहां पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, तो बोलेगा नॉन क्लासिकल रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करता है? तो बोलोगे कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन ऑलरेडी मोर स्टेबल है, जब स्टेबल है तो उसको H- CH3- PH- की जरूरत ही नहीं है। बोलेगा क्यों मोर स्टेबल है? बोलो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये भी बोल सकते हो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, देखो ये रेजोनेंस हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी बोल सकते हो या ऑक्टेट कंप्लीट भी बोल सकते हो। ये भी रीजन दे सकते हो कि यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा दे सकते हो कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। खैर कहानी यहां से नहीं, कहानी आनी है एंटी एडिशन से। नोट करें इतना, मैं जरा कैमरे में देखूं आपको कितना दिखाई पड़ा इसमें से। क्या बात है, लास्ट वाली लाइन गायब हो गई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड लिखा है मैंने, मैं कैमरे को झुका के दिखाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट है और दूसरा रेजोनेंस देख रहे हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। खैर ये सब कहानी बहुत ज्यादा नहीं पूछेगी, नोट करने को नोट कर लो, कहानी मेन आपको समझनी है एंटी एडिशन की। और मैकेनिज्म में से आपको बस एक बात याद रहनी है, सिर्फ एक बात, वो ये कि कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है।
उसको कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, पर जो कार्बोकैटायन की डेफिनेशन है वो इसके ऊपर वैलिड नहीं है। कार्बोकैटायन की डेफिनेशन है 6 इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट, वो प्रॉपर्टीज ये शो नहीं। इसका नाम है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, या इसको तुम बोल दो झोपड़ी बन रही है, या बोल दो कि नेचोज बन रहे हैं। नोट कर लिया, एंटाई एडिशन ऑफ ब्रोमीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देर इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, अटैक विल अकर फ्रॉम रियर साइड, मतलब अपोजिट साइड से। बनता क्या है यहां पे, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्लियर है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। नोट कर लें इतनी बात, विच इज मोर स्टेबल, दिस और दिस? This is stable. Why? Because it has all the octets complete. Why? Because it shows a resonance. And here octet is incomplete. Since it is stable, hence it does not need any kind of rearrangement. Will you be my friend? Type wali English to nahi boli maine. Mita de. Okay, bahut badhiya. The organic chemistry are interesting, good. इस टाइप की अंग्रेजी मेरे पास आती है फेसबुक पे बच्चों की। सर यू टीच? तो अब ले लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन एडिशन ऑफ ब्रोमीन का, एंटी एडिशन से रिलेटेड। मान लो यहां पे मेरे पास एक खूबसूरत सा साइक्लोहेक्सीन है, वाओ सर इट इज सो ब्यूटीफुल, और इस पे Br2 का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। सर अभी अभी तो टॉपिक सुंदर लगा था, आप लेके आ गए साइक्लिक कंपाउंड। नहीं सुंदर तो लगता है सर, इसमें थोड़ा सा तकलीफ होता है। ठीक है, तकलीफ बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड, अंग्रेजी तो गई ना, इज फॉर्म्ड, कितने प्रोडक्ट बनेंगे या बनेगा, सोचो। एंटी एडिशन होगा, एकदम सही बात है, मैकेनिज्म भी सही है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा, दो बनेगा, जो बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, सोचो। बना लिया, चलो मैं करने जा रहा हूं, पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, तो पहली स्टेप में अटैक करेंगे Br+, भाई साहब तो Br+ आया, क्या बनाएगा, नेचोज है ना, झपड़ी, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अगली स्टेप में कौन अटैक करने आएगा, अगली स्टेप में आएंगे Br- भाई साहब है ना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका अब न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा, ये कार्बन बोलेगा ब्रोमीन से, ये लो इलेक्ट्रॉन तुम निकलो यहाँ से, हमारे लिए Br- आ रहा है, हमारे ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज आने दो, हमारा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, Br- यहाँ अटैक करेगा। अब सवाल ये है कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है ऐसा, तो ये जो Br अटैच हुआ इससे, इस वाले से होगा ना, जब ये निकलेगा, जब ये यहाँ से जाएगा तो Br इससे अटैच होगा, तो जो साइक्लोहेक्सेन है प्लेनर है, तो ये Br या तो प्लेन के ऊपर से अटैच हुए या नीचे से। अगर ये प्लेन के ऊपर से अटैच हुआ है तो आने वाला Br प्लेन के नीचे से आएगा, और अगर ये प्लेन के नीचे से अटैच है तो आने वाला Br प्लेन के ऊपर से। क्या बात हो रही है, वेज डैश याद है, प्लेन से बाहर प्लेन से अंदर। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, मान लो पहले वाले Br को मैं वेज से लगा दू, मतलब पहला Br प्लेन के बाहर आपकी तरफ ऐसे आता हुआ, तो दूसरा वाला Br यहां से आएगा कि नहीं, बिहार नहीं Br, कई लोग बिहार कह रहे, बिहार Br कहां से आएगा, प्लेन के पीछे से अटैक करना पड़ेगा। एंटी एडिशन का यही तो मतलब है। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक की दो। अच्छा एक बात बताओ, कई लोग कह रहे हैं सर ये वाला Br ऊपर से आ गया, वो Br नीचे से आ गया, तो ये अलग Br पीछे से, ये आगे से, तो यही बनेगा ना यार। अरे तुम मासूम बच्चे, अगर तुम ये बनाओगे, मान लो कई लोग कह रहे हैं सर ये बना दो, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस कंपाउंड को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अरे भैया ये तो हर तरफ से सेम है ना, नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2, अभी भी 1 2 यहां से कर लो, 1 2, ये बनाओ वो बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट दो, ये तो नहीं है, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, बात समझो ना, नंबरिंग तुम यहां से करोगे चाहो तो यहां से कर लो, उससे थोड़ी ना डिफरेंस होगा, सब आइडेंटिकल है ना कार्बन। बात ये है कि ये जो चीज बनी है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इस पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव है तो जहां बनेगा डी वहां बनेगा एल,
जहां बनेगा आर फॉर्म वहां बनेगा एस फॉर्म। देखो ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है, ध्यान से देखो, इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक बी आर ऊपर से अटैच हुआ, एक बी आर नीचे से। अब बताओ कहां है प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहां से काटोगे इसको? एंटायर एडिशन का कमाल है ना, अगर सिन एडिशन होता दोनों बी आर एक तरफ से ही जुड़ते आकर, कैसा एडिशन होता? सिन एडिशन, ये बी आर भी इधर से, ये बी आर भी, दोनों एक तरफ से, तब ये कट जाता, इसके पास क्या आता? प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, पर ये तो शो करेगा ना, एक ऊपर से एक नीचे से, एक आगे से एक पीछे से। तो भैया जब ये बनेगा तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, पेयर ऑफ इनेंशियोमर बनेगा, इसको पलट दो उठा के, खचाक खचाक। कैसे पलटते हैं पता है ना, सब तो समझ गए होंगे, मिरर के अबाउट लेके कचिक, थोड़ा बड़ा भी हो गया, अच्छा ये लेके पलट दिया, बी आर एक डी बना तो एक एल, यानी बने पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। अच्छा डी बना एल बना दोनों बना, मतलब क्या बना? रेसमिक मिक्सचर। सो द आंसर इज देयर आर टू प्रोडक्ट्स, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, और दोनों को मिला के बोले तो क्या बन रहा? रेसमिक मिक्सचर। तो क्या ब्रोमीन के एडिशन में हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनता है? ऐसा कुछ रट मत लेना, कंसेप्ट है, कंसेप्ट से सवाल सॉल्व करते जाओ, रटो मत कि हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मिटा दे। वैसे ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन में रेसमिक मिक्सचर बनता है, बट हमेशा ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं देंगे, सिस एल्कीन है, सिस प्लस एंटी गिव्स रेसमिक, कई लोग याद करते हैं। अपन कंसेप्ट पे चलेंगे, कंसेप्ट सही है तो सब सही आएगा, मिटा दे, बस देख लो जो चीज बन रही है। देखो देखो ध्यान सुनो क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल पूछे ना कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और तुम्हें दिख रहा है एक ही बन रहा है, तो बस ये चेक कर लेना, जब भी ये सवाल पूछे कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और तुम्हें लगे एक ही बन रहा है, तो बस ये चेक करना कि जो चीज़ बन रही है उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह तो नहीं है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह होती तो ये मीजो कंपाउंड हो जाता, कायरल कार्बन तो ही ना इसमें। अरे यार कितनी बातें बताएं, आप सब जान रहे हो ना, ये कार्बन कायरल है, देखो इसके इस तरफ ग्रुप अलग, इस तरफ अलग, इस तरफ अलग, और इस तरफ हाइड्रोजन, ये भी कार्बन कायरल है, एक तरफ ब्रोमीन, एक तरफ कार्बन के साथ ब्रोमीन, एक तरफ कार्बन के साथ कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, इसके पास दो कायरल कार्बन थे। अब जहां कायरल कार्बन आता है वहां हमको चेक करना पड़ता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती तो मीजो बन जाता, पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मिटा दे, एंटी एडिशन का कमाल। अच्छा जरा एक काम करते हैं, एंटी एडिशन का रिजल्ट देखते हैं सिस और ट्रांस एल्कीन पे, नाम लगा दिया तो टॉपिक बन गया, एंटी एडिशन ऑन सिस एंड ट्रांस एल्कीन। हमने सिन एडिशन में भी ये चीज बताई थी, एंटी समझ गए हो ना, सिन होता है जब दोनों एक तरफ से अटैक करें। अब देखो हम एक काम कर रहे हैं कि हम एक सिस एल्कीन लेते हैं, हम सिस एल्कीन के ऊपर कराने जा रहे हैं एंटी एडिशन, रिजल्ट होता है रेसमिक मिक्सचर, रटना मत, आप तो रट लिए सर, तो हमको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, हम क्या करें, आप तो लिख भी रहे हो, हमें अच्छा लगता है लिखना, रटना मत, सिस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन, रटना मत, ठीक है चलो आराम से समझते हैं। मान लो यहां पे एक सिस एल्कीन ले लें, सिस ब्यूट टू इन, फेमस कंपाउंड सिस ब्यूट टू इन, मान लो इसमें ब्रोमीन का क्लोरीन वगैरह किसी का भी एडिशन दिया है, अच्छा बहुत बढ़िया, क्या होगा, एक ब्रोमीन ऊपर से अटैक करेगा एक नीचे से, सर यहाँ ऊपर नीचे कैसे होगा, अरे ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वाह बेटा वाह वाह, यही सलाह दिया तुमने, ये sp2, ये भी sp2, प्यारे बच्चों ये दोनों sp2 है, यानी दोनों प्लेन में, ध्यान से देखो तो ऐसी कहानी है, टी 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 ऐसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड समझते हो, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये सब एक प्लेन में हो रही कहानी, HCH3, HCH3, CH3H, दोनों कार्बन, ये सब एक प्लेन में ऐसे रखा हुआ है पूरा, इधर CH3 इधर H, इधर CH3 इधर H, एक प्लेन में दिख रहा है ऐसे ऐसे। अब एक ब्रोमीन ऊपर से अटैक कर देगा नीचे से, सिंपल है ना यार, ये बॉन्ड टूटेगा एक ब्रोमीन ऊपर से एक नीचे से, तो कुछ ऐसा बन जाएगा सी एच सी एच थ्री एच सी एच थ्री, एक ब्रोमीन आया ऊपर से एक ब्रोमीन आया नीचे से, ऐसा कुछ बोलो आ रहा है। पर यार अटैक करते ही इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया,
अब तो ये टेट्राहेड्रल में जाना चाहेगा। तो इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना और ये बता पाना कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। देखो देख के कुछ समझ में आ रहा है सर? लग तो रहा है प्लेनोसोमेट्री, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है सर, क्योंकि अभी ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना, अब तो भाई हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। तो इस तरह से इसको करना नहीं है, ठीक है? तो सर सही तरीका बताते ना पहले, हाँ तो सही तरीका बता रहे ना, अब लिखो ना, ठीक है? तो इस तरह से इसको करना ही नहीं, ये तो मैं फील दिलाने के लिए बता रहा था कि इसको करेंगे कैसे। इसको बच्चों ऐसे लिख लो तो बड़ा आसान, ध्यान देखो जैसे कर रहे हैं, ध्यान देना। मान लो सिस ब्यूट टू इन, हमें सवाल देता है सिस ब्यूट टू इन और बोलता है इसका ब्रोमिनेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, बोलता है क्या बनेगा, ये सवाल है। मान लो सिस ब्यूट टू इन का ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 पूछा क्या है, तो देखो कैसे लिखना है। सी डबल बॉन्ड सी सिस, दोनों CH3 एक तरफ, दोनों H एक तरफ, डाल दिया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ध्यान से क्या करो, पहले इसको सीधा कर लो ऐसे, है ना, कोशिश करो कि इसका क्या बना ले हम, इसका हम क्या बना ले, फिशर प्रोजेक्शन बना ले, CCl से लगा लो। अच्छा लगा लिया सर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, सेम साइड है, तो एक हाइड्रोजन को इधर से ऊपर, एक हाइड्रोजन को इधर से नीचे, बोलो ठीक है। दोनों CH3 सेम साइड है, यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है CH3 वाला, है ना, दोनों सेम साइड है तो दोनों को सेम साइड लगा लो, एक CH3 यहां लगा लिया, एक CH3 यहां लगा लिया, सेम साइड। अब खाली जगह यहां पे बची, तो सर यहीं पे लाके जोड़ दें जो जगह खाली है ब्रोमीन को, मैंने डबल बॉन्ड तो तोड़ ही दिया है, डबल बॉन्ड तो हमने तोड़ ही दिया है, अब ब्रोमीन को जोड़ने की दो खाली जगह बाकी है, एक दो वहीं जोड़ दें। अगर वहीं जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा सिन एडिशन, हो जाएगा सिन एडिशन। सिन में क्या होता है, जहां जगह खाली है वहीं जोड़ दो। सिन में क्या होता है, सिन में जहां जगह खाली हो वहीं जोड़ दो, वो होता है सिन एडिशन, जो हाइड्रोजन का होता है। और अभी वाटर का भी सिन एडिशन आगे हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है एंटाई। एंटाई कहता है जहां जगह खाली हो वहां जोड़ दो, पहले जो ये कह रहा है वो तो कर दो, मतलब जहां जगह खाली है जोड़ दो, फिर एक बॉन्ड मोड़ दो। क्या बात सर, क्या बात सर, क्या बात, क्या गाना है सर, जहां जगह खाली हो वहां जोड़ दो उसके बाद एक बॉन्ड मोड़ दो। तो जहां जगह खाली है वहां पे BR को जोड़ दिया, BR को जोड़ दिया, इसके बाद इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड मोड़ दो, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड मोड़ दो, तो मैंने इस वाले बॉन्ड को मोड़ दिया, तो फाइनल रिजल्ट जो मेरा आएगा एंटाई एडिशन का, दैट विल बी CH3 BR, और इस वाले को मैंने मोड़ दिया। मैं नीचे इसलिए बनाना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अभी कहानी और बढ़नी है थोड़ी सी, CCH CH3 BR, और इस वाले को मैंने मोड़ दिया BRCH3। देखो एंटाई एडिशन का मतलब जहां जगह खाली हो वहां जोड़ दो फिर एक बॉन्ड मोड़ दो, यह है एंटाई एडिशन। अब सवाल आता है कि कितना प्रोडक्ट बना, एक या दो? तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसके पास दो कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल, चारों वैलेंसी डिफरेंट, एक तरफ हाइड्रोजन ब्रोमीन, एक तरफ CH3, एक तरफ ये कार्बन कायरल CH3 BRH, और ऊपर भी कार्बन, इट हैज टू कायरल कार्बन, तो ऑप्टिकली एक्टिव इसको होना तो चाहिए। अब अगली चीज चेक करनी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यहां मत चेक करना, ये नहीं बनेगा, ये तो सिन प्रोडक्ट है, पहले सिन बनाया फिर एक बॉन्ड मोड़ दिया तो क्या हो गया, एंटाई प्रोडक्ट, हमें तो एंटाई देखना था। क्या इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से काटने प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? BR के ऊपर CH3 से नहीं है, यानी ये कंपाउंड हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ये बनेगा तो बनेगा इसका मिरर इमेज इनेंशियोमर, CCHH मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, एक बना डी एक बना एल, हमारे पास बन गया इनेंशियोमर्स, या बोल सकते हो बन गया रेसमिक मिक्सचर, आय हाय ऊपर तो यही लिखा था, समझ में आया, पर रटना नहीं है, सिन और एंटाई एडिशन का फीलिंग ले। देखो पहले सिस को कैसे बनाना है, सिस को बनाने का तरीका देखो,
सीधा सीधा खड़ा खड़ा बना लिया से इसको पहले। फिर मैंने क्या किया, देखो H को तो ऊपर नीचे ही लगाया क्योंकि मैं मुझे पता है H की प्रायोरिटी लो होती है, तो उसको हमने कोशिश किया वर्टिकल बॉन्ड पे रखने का, छोड़ दूँ, दोनों को ऊपर नीचे लगा लिया। इसके बाद बात आई CH3 कहाँ लगाएं, तो हमने कहा क्योंकि ये सिस है, क्योंकि ये सिस है, तो सिस में दोनों CH3 को सेम साइड रखा। अब अगर दोनों BR जहां जगह थी वहीं जोड़ते तो होता सिन एडिशन, एंटाई तो कहता है एक आगे से एक पीछे से, तो ये यहां अटैक किया, ये यहां अटैक किया, इसके बाद एक बॉन्ड को मोड़ दिया, ये फाइनल रिजल्ट है, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। फिर फाइनल रिजल्ट को एनालाइज किया कि इसके पास दो कायरल कार्बन है, इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, देखा नहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं काट पा रही है बी आर के ऊपर सी एस थ्री, बहुत बढ़िया, यानी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी अगर डी बनेगा तो एल बनेगा, एल बनेगा तो डी बनेगा, कौन सा डी कौन सा एल बता नहीं सकते एक्सपेरिमेंट के बिना, आर एस कह सकते हो, तो इनेंशियोमर्स बनेंगे रेसमिक मिक्सचर, तो ऊपर लिखा है सिस एल्कीन प्लस एडिशन एंटी एडिशन गिव्स रेसमिक। अभी सिन होता तो मीजो बनता, कितने डेटा है ना, यहीं सिन लिख देते तो मीजो, देखो सिन होता तो यहीं रुक जाती कहानी, सिन एडिशन जहां जगह खाली हो वहीं जोड़ दो, हाइड्रोजन ऐसे ही ऐड होता, वाटर कई बार ऐसे ही ऐड होगा, अभी आगे पढ़ेंगे धीमे धीमे। कोल डायल्यूट KMnO4 से OHOH ग्रुप ऐसे ही ऐड होते, कोल डायल्यूट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट बेस रिएजेंट्स OH देता है इसको, तो दोनों OH ऐसे ही लगते कटाखट कटाखट, तब ये बनता, तब मीजो कंपाउंड बनता, आंसर होता एक, यहां आंसर होगा दो प्रोडक्ट। क्लियर है, क्लियर है, रेसमिक मिक्सचर मतलब डी और एल, आर और एस, मिटा दे, ओके। तो सर हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनता है एंटी एडिशन में, रुको रुको अभी ट्रांस एल्कीन लेने दो, कहानी पलट जाएगी, ट्रांस एल्कीन लेने दो, सिस एल्कीन के साथ हो गया एंटी एडिशन, चलो ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन प्लस एंटी एडिशन विल गिव यू मीजो, देखो रटो मत तुम, ट्रांस ब्यूटूइन प्लस बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर। अब देखो तुम्हें पता है खड़ा खड़ा बनाना होगा, उस तरह से काम नहीं बन पा रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो ट्रांसब्यूटुइन क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, C डबल बॉन्ड C, सी एच थ्री इस तरफ, इधर सी एच थ्री, इधर H, इधर H, बोलो सही है, दिस इज ट्रांस, दो सी एच थ्री अपोजिट साइड, एडिशन किया ब्रोमीन का Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। पहले मैंने कहा कि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दो, इस हाइड्रोजन को ऊपर, इस हाइड्रोजन को नीचे लगा लो, अब ये कैसा है, ट्रांस है, तो एक CH3 इधर से जोड़ दो भाई साहब, एक CH3 इधर से जोड़ दो, अब कौन सा एडिशन होना है, एंटी एडिशन, तो जो जगह खाली है वहां पे जोड़ दो, जो जगह खाली है वहां पे जोड़ दो, और उसके बाद, और उसके बाद कोई एक बॉन्ड मोड़ दो, अभी जो एडिशन है वो कौन सा एडिशन है, सिन, सिन, अब देखो देखने में लग रहा है एंटी पर है नहीं, जो जगह खाली है वहीं जब जोड़ दोगे तो कौन सा एडिशन होगा, सिन, उसके बाद एक बॉन्ड मोड़ दोगे तो कौन सा होगा, एंटाई, तो इसमें से एक बॉन्ड नीचे बना ले, मोड़ दे H, यहां बना लो नीचे बना लो, इस बार तो कोई टेंशन नहीं, चलो सी सी एच एच, कोई एक बॉन्ड मोड़ दो, ये वाला मोड़ ले ऊपर वाला, नीचे वाला, चलो नीचे वाला मोड़ेंगे, बी आर सी एच थ्री, नीचे वाला मैंने मोड़ दिया बी आर, ये एंटाई का रिजल्ट है, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, नॉट दिस, नॉट दिस, ज्यादा तुम्हें कहानी नहीं समझनी है, तुम अगर रटने पे बैठ जाओगे तो टेंशन ले लोगे, क्योंकि इसके बाद अभी सिन एडिशन में पूरा रटोगे, ट्रांस प्लस, कई लोग रटवाते हैं ट्रांस प्लस एंटी इज मीजो, ट्रांस प्लस सिन इज रेसमिक, सिस प्लस सिन इज, सिस प्लस सिन इज मीजो, सिस प्लस एंटी इज रेसमिक, नहीं नहीं, ऐसे सिंपल, अरे से बनाया ट्रांस, फिर मैंने कहा एच एच ऊपर लगाओ, सी एच थ्री दोनों अपोजिट साइड क्योंकि ट्रांस था, अब अगर एंटी एडिशन है तो जहां जगह मिले जोड़ दो, एक बॉन्ड मोड़ दो, सिन जहां जगह मिले वहीं जोड़ दो, ट्रांस सॉरी एंटी जहां जगह मिले वहीं जोड़ दो, उसके बाद एक बॉन्ड मोड़ दो, एक बॉन्ड मोड़ दिया, ये हुआ एंटाई का रिजल्ट। अब देखो इसके पास भी दो कायरल कार्बन हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई,
इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ सी एच थ्री, एक तरफ बी आर, एक तरफ ये ग्रुप, ये कार्बन भी कायरल, एक तरफ सी एच थ्री, एक तरफ बी आर, एक तरफ एच, एक तरफ ये ग्रुप, इट हैज टू कायरल कार्बन, तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना तो चाहिए था, पर इसके पास आ गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबको दिख रहा होगा, दिस कंपाउंड हैज व्हाट प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर नीचे देख रहा हूं सिमेट्रिकल, प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, दिस इज मीजो, मीजो वो कंपाउंड होते थे ना जो ऑप्टिकली एक्टिव होना तो चाहते थे पर बेचारे प्लेन ऑफ सिमेट्री के मारे मर गए, है ना, मतलब होना तो चाहिए था, आइडियली क्या बताएं बेचारे को, राजा का बेटा था, इसको राजा बनना चाहिए था, है ना, बन नहीं पाया, कायरल कार्बन तो थे दो ठो पर नहीं, तो ऐसे कंपाउंड को मीजो बोलते हैं जिसमें कायरल कार्बन हो फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो मीजो कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक, अब इसका मिरर इमेज का कोई मतलब ही नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव होता तो मिरर इमेज, तो मैं बोल रहा हूँ रटो मत, ये चीज मत पकड़ लो, कैसे सिस बनाना है, कैसे ट्रांसिस होता तो एच एच लगाते, सी एस सी दोनों एक तरफ, सिन एडिशन होता तो दोनों चीज एक तरफ से, एंटी है तो दोनों को जोड़ के एक को मोड़ दो, सिन है तो जहां जगह मिले वहीं जोड़ दो, एंटी है तो जहां जगह मिले वहां जोड़ो, फिर एक बॉन्ड को मोड़ो, मिटा दें, मिटा दें, एक कंपाउंड बनेगा। अब रटने का तुम्हारा मन ही है, तुमने बना ही लिया है मन, तो रट लो, मैं नहीं चाहता कि तुम रटो, मैं चाहता हूं कि तुम समझ समझ कर इसको खुद से ही करो। ठीक है, जैसे देखो जो हमने पिछला एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में क्लास की, वीडियो की क्लास कहां है सर आपकी, ये मेरी क्लास है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 साइक्लोहेक्सीन, ये सिस है यार, ध्यान से देखो तो ये सिस एल्कीन है, प्यार से देखो सर, प्यार से ही देखते हैं, क्या है देखो, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके इस तरफ जो ग्रुप है इसके भी इस तरफ, दोनों के एक ही तरफ तो ग्रुप है, सिस ही तो हुआ, अच्छा थोड़ी देख ले इसको भूल जाओ, अब देखो सिस जैसा लग रहा है एल्कीन देखने में, तो ग्रुप एक ना, तो सिस से क्या बन रहा था, रेशमिक मिक्सचर, यहाँ रेशमिक बना था कि नहीं जो हमने बनाया था, याद आ गया, बहुत ही गंदा पर कोई बात नहीं, याद आया, यहां रेशमिक मिक्सचर बना था, सिस प्लस एंटी गिव्स यू रेशमिक मिक्सचर, क्लियर है, तो यही चीज हमने आपको एग्जांपल से समझाई, सिस एंटी से रेशमिक, ट्रांस एंटी से मीजो, ट्रांस एंटी से मीजो, सिस एंटी से रेशमिक, अच्छा ये सब हमेशा इसकी कोई गारंटी होती नहीं है, सब बनाने पे होता है, लिखने को लोग रूल लिख देते हैं पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है बनाने पे, कि बन के फाइनली क्या चीज़ सामने आ रही है, इस पे ये डिपेंड करता है, क्लियर है। अच्छा इसके बाद एक बढ़िया सवाल बनता है, बहुत बढ़िया सवाल, जरा ये बताओ इसमें क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो प्रोडक्ट बनेगा, बहुत बढ़िया सवाल, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, वन और टू, वन और टू, वन टू क्या रहा, एक की दो रेशमिक की मीजो, मीजो आ रहा है ना, एक बी आर यहां लगेगा, क्या लगेगा मीजो, अरे यहां रिएक्शन नहीं होगा, अरे ये एल्केन है, अरे इसमें एल्कीन नहीं है, बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर एडिशन रिएक्शन करता है, इससे कैसे रिएक्ट करेगा, एल्केन एल्कीन से करता है, डबल बॉन्ड भी तो यही खुलेगा क्या, अरे यार तुमको ये लिख के मैं दे दूं तुम रिएक्शन कर दोगे क्या, मान लो मैं लिख दूं यहाँ पे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, तो बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या है, अब बनेगा अब बनेगा भाई साहब, एच न्यू लगा दिया मतलब कि फ्री रेडिकल, पुराने टॉपिक्स भूल रहे हो, तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भूल गए, ये क्या है, एल्केन है, एल्केन कौन से रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एच न्यू मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये तो नहीं करेगा पर ये तो करेगा ना, क्योंकि यहाँ रिएजेंट भी तो चेंज कर दिया मैंने, एच न्यू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सिंपल ये ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, जैसे मान लो यहां पर यह लिख दे, अब बताओ सोच के बोलना, पुरानी चीजें मत भूला करो, एक और चेक कर लेता हूं, बताओ कोई रिएक्शन होगा कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, दिमाग पे जोर डाल दीजिए, कहां था ये, अत्ता माजी सटकेली, कहां था ये,
अगर आपको याद हो तो ये बेंजीन है, आपको याद हो बेंजीन का मैंने एक ही तरह का रिएक्शन आपको बार बार पढ़ाया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे ये लुईस एसिड है, FeCl3 यहां से Cl- खींच लेगा, FeCl4- Cl+ यहां पे जाएगा, याद आया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन शो नहीं यार, बेंजीन है, बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती। कई लोग ने क्या किया, डबल बॉन्ड खोल के Cl लगा दिया, अरे नहीं भाई, ये एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है, ये अपना डबल बॉन्ड खुलने नहीं देगा, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो लेक्चर के लास्ट में मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन ले लिए, तो आपको याद रखना है कि हैलोजन का जो एडिशन होता है वो एंटाई होता है, और किस तरह से सिस और ट्रांस को डील करना है, कैसे बताना है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सिर्फ बना के बता सकते हैं, रट के मत जाना कि सिस के साथ एंटाई एडिशन में रिसमिक, ट्रांस के साथ एंटाई एडिशन में मीजो, ऐसे रट के मत जाना, करके देखना। तो अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।